बड़ी मैन पहुंचा चलेंगे एक्सप्लोजन एक रिपोर्ट करेंगे अब आएगा वापस क्या जाए 15 दिन बाद मेरा H1 वीजा क्योंकि सिस्टम में ऐसा कुछ था ही नहीं कि कोई आदमी अपने आप को स्पॉन्सर नहीं कर सके शायद अभी भी नहीं हो क्योंकि जब मैं आपको जो बीच में क्रेडिट कार्ड वाली बता रहा था ना ये सिस्टम अब लड़कों ने पाकिस्तानियों ने जो मैंने अपने प्यारे भाइयों को पैगाम देना चाहता हूँ इतना अब्यूज किया फिर लाखों डॉलर आप मेरे जाके क्रेडिट हिस्ट्री निकालें मैं आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर बनना बताता अगर किसी को शक हो तो मैं आपको अकेले बता दूंगा क्योंकि इस वीडियो पे यानी हजारों लाखों देखेंगे लोग तो मैं आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर दे दूं तो आप उस पर वो निकालना शुरू कर देंगे मुझे भी मकरूज कर देंगे एक एक अल्लाह का शुक्र है पैसे उतार गया है पाकिस्तानियों की मुसलमान की हम बात करते हैं बेगैरत लोग सारे क्रेडिट कार्ड डिफॉल्टर अच्छा मैं अगर देखें मैं इस वक्त कैमरे के अंदर देख के बात कर रहा हूँ पाकिस्तानियों को मेरे से बड़ा कोई एक्सपर्ट नहीं है पाकिस्तानियों का सारी उम्र लड़कों के साथ हूँ लड़की पाकिस्तानी लड़कों का मैं एक्सपर्ट नहीं पाकिस्तानी लड़कों का मैं सारी उम्र लड़कों के साथ बैठा हूँ तो मुझसे तो गोलीबाजी चल नहीं सकती मतलब वो अपने घर वालों को दें आप या अपने मौलाना को पट्टी पढ़ाएं या अल्लाह को पढ़ा नहीं सकते मगर अल्लाह मियां की एक सुन्नत है कि वो डंडा फौरन यहाँ मारता नहीं है वरना अगर डंडा मारना शुरू हो जाए तो हम लोगों को बहुत सारे दिन इस्लाम की बातें जिसको मैं बकवास कहता हूँ सारा दिन आपको लगेगा ऐसे कि नौजुबिल्ला हजरत उमर सारे आ गए हैं यहीं पाकिस्तान में यहाँ के मौलवियों से लेकर सारे चोर पूरा अमेरिका की शराफत है कि जूते मार के सारे पाकिस्तानियों को निकाल दिया डिफॉल्टर जाली नामों से क्रेडिट कार्ड बनवाने लाखों करोड़ों डॉलर की खबर करने फिर जब FBI पीछे आ जाए जबकि छोटे मोटे में तो नहीं आएगी जब आप 6 लाख डॉलर क्रॉस करेंगे तो फिर तो आएगी ना जब FBI की आपकी पीछे आएगी फिर आपके आप पैसा नहीं बढ़ जाते हैं किसी पाकिस्तानी को आप 1% होगा जो पाकिस्तानी मुहबत में आता है याद रखें मुझसे अगर मैं किसी मुझे पाकिस्तानी मिले ना मुझे कहेगा यार वो मैं अमेरिका में 8 साल रहा 10 साल रहा पाकिस्तान आ रहा हूँ आपको क्रेडिट रेट चेक करने की जरूरत नहीं है मैं आपको खुद बता रहा हूँ मैं एक्सपर्ट हूँ डिफॉल्टर है या और भी कुछ हरकत हो सकती है अभी वो वीडियो में नहीं कही जा सकती क्योंकि हद तक ही बात हो सकती मैं डर नहीं रहा मैं आपको बता दूंगा बल्कि इसलिए बता देता मगर लोग इज्जत की नहीं बोल रहा अच्छा अब क्या मामला है अच्छा तो मैंने ये बताया कि क्रेडिट कार्ड सिस्टम का अपने फायदे के लिए यूज करें मगर यार अब्यूज ना करें मेरी राय है ऐसे तो मर्जी यार मैं कौन सा मैं भी मौलवी नहीं बन रहा भाई क्योंकि मैं दुनिया में एक ही चीज से चढ़े मतलब मुनाफ़त से तो मेरे भी बड़े गुनाहगार आदमी हूँ मगर यार कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है ज्यादा नहीं कुछ इज्जत है मेरी और मुझे ये वाली इज्जत नहीं है कि आप मुझे इज्जतदार समझें मेरी अपनी इज्जत है कि मैं ये काम नहीं करता हूँ अच्छा खैर अब मैं 92 में जेनेसिस हमारी चलनी शुरू हुई हमने हार्डवेयर बेचना कुछ तो मुझे सॉफ्टवेयर तो आता नहीं था हमने कंप्यूटर हमारे एक दोस्त थे असद फैजी साहब उन्होंने हम पे बड़ा हमारे पार्टनर भी थे उन्होंने बड़ा नजर गर्म किया उनकी एक कंपनी थी कंट्रोल लॉजिक अगर मुझे नाम से याद है उसको हमने ना हार्डवेयर सप्लाई करना शुरू किया और क्या कहते हैं हार्डवेयर सप्लाई करना शुरू किया और 15-20% मार्जिन क्योंकि हम बेरिया में थे वहाँ सस्ते पार्ट मिल जाते थे कंप्यूटर बना के उनको भेज देते अब ये 92 गुजरा 93 गुजरा 94 गुजरा 6 साल होते हैं मैक्सिमम आपके पास H1 का अल्लाह का शुक्र मैंने कभी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जिस दिन मेरी इतनी कमजोरी हो जाए कि मुझे क्रेडिट कार्ड के सहारे की जरूरत पड़े तो फिर मुझे ही मर जाना चाहिए ये मैं बाकी सारे पाकिस्तानी ग्रीन कार्ड होल्डर को कह रहा हूँ कि आपका दम अगर ग्रीन कार्ड के अंदर है तो उसका मतलब कोई दम नहीं है क्योंकि अगर ग्लोबल मार्केट में आपका दम है तो आपको दूसरा खुद बुलाएंगे अगर दम है मेरे में नहीं है वो कि मुझे कोई नहीं बुला रहा मगर अगर दम है तो बुलाएंगे और जब नहीं है तो फिर आप जूते खाएंगे जो वे खा रहे हैं अभी सारे पाकिस्तानियों की हवा हुई है अमरीका में है भाई अब इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है सबको खुद पता है क्या जरूरत है खैर तो मैं ये कह रहा था कि आपके 95 हुआ मैं ये समझ गया कि यार ये हार्डवेयर के काम इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर हम जर्मनी वगैरह भी
एक लंबी कहानी है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, मैं वो वाली बातें बताना चाह रहा हूँ जिससे लोगों को फायदा हो। वो वाली ये नहीं कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ, वो वाली बातें जो कि सिर्फ टाइम लेंगी और फायदा ना हो तो वो नहीं बता रहा। तो जर्मनी वगैरह में मैंने हार्डवेयर वगैरह बेचना शुरू कर दी। मेरे यहाँ पे अखबार के बहुत अच्छे दोस्त थे, इकबाल हुसैन साहब इंडस वाटर कूलर के ओनर थे, उल्ब्रेक्ट पाकिस्तान के ओनर थे। मेरे अब्बा भी जानते थे कि ईमानदार आदमी है, वो मुझे कहने लगे यार मैं तुम्हें टेक्सटाइल के भी ना 2-3 करोड़ के ना कंसाइनमेंट में भेज देता हूँ, मान ज़्यादा भी चाहिए तो 10 करोड़ का भी भेज दूंगा। अच्छा फिर मैंने चमड़े का, मुझे कहा लोगों ने कि चमड़े का काम करो, मैं सब देखे हुए, मैं सारे वहाँ के शोज वगैरह में गया। अच्छा अब मैं इकबाल भाई को कहा मैंने कहा सर क्या बात कर रहे हैं आप, मुझे 10 करोड़ का माल भेज दिया, मैं किस वेयर हाउस में रखूंगा, वेयर हाउस का आपको यहाँ रेंट पता है भी एरिया में, मैं तो अगर एक महीने भी रेंट दिया तो मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा। और अच्छा बात सड़क पे आने की नहीं है, कोई बात नहीं आ जाएंगे, रिस्क तो है, ये तो दुनिया में होता ही है, मगर आपके माल को खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो मैं आपको क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं आपको ये कहूंगा कि यार वो बिक गया था खराब हो गया, आप समझेंगे मैं पैसे खा गया, वो भी मेरे से रुका हुआ है, सच बात तो कोई सुनता नहीं है। वो कह रहे यार मैं तो 10 करोड़ में भेज रहा हूँ, तुम कह रहे हो नखरे कर रहा। मैंने कहा सर मैंने आपको सुविचार बताई, अच्छे वेयर हाउस करूंगा जो इतने खर्चा आएगा, आप खुद लगाने 10 करोड़ का माल वहाँ के $10,000-20,000 महीने का वेयर हाउस से क्या कम मिलेगा। मैंने कहा मैं बेईमानी बनना चाहता, कोई गड़बड़ हुई। अच्छा आप मुझे प्राइसिंग वो दे नहीं रहे क्योंकि सारे मिडिलमैन है पाकिस्तान में, मैं भी मिडिलमैन, इकबाल भाई भी मिडिलमैन और पीछे एक सप्लायर, दो मिडिलमैन बीच में, हमने अगर 2-2% भी रखा, आप लोग जैसे टेलीफोन नंबर की होलसेलिंग कर रहे हैं मार्जिन तो रह जाते हैं, अब अगर आप 4 मिडिलमैन बीच में होंगे, हम तो 2 थे तो कैसे प्रॉब्लम। अच्छा मैंने कहा मैं किसी और मिडिलमैन को भेजू, 3 हो गए ना, 2 पाकिस्तानी मिडिलमैन और तीसरा एक बोरा, और फिर वो होलसेल, फिर वो होलसेल को भेजे, फिर नॉट प्रॉफिट। ये चल कब सकता है कि जैसे साना सफी नाज है डायरेक्ट बेच रहा है रिटेलर को, मेसीज को डायरेक्ट बेच रहा है, फिर चलेगा, और वो भी बहुत मार्ज स्केल पे, इसलिए जो छोटे वाले थे वो सब एलिमिनेट हो गए टेक्सटाइल वाले, सिंपल सा फॉर्मूला है फाइनेंस का, जितने कम मिडिल मैन होंगे डायरेक्ट। और ये तो आई टी की अब तो जो पिछले ये तो 10 साल पहले ही बात कर रहा हूँ, अब तो बिल्कुल श्रिंक हो गई है, मैन्युफैक्चरर होगा और रिटेलर होगा बीच में कोई, अब तो शायद अमेजोन के बाद रिटेलर भी इंटरनेट वाला वो बीच में हट ही गया, वरना आप कॉम्पिटेटिव नहीं हो सकते। अच्छा अब 95 में मैंने कहा यार ये तो कुछ नहीं होने वाला, तुम तो इमाम हुसैन भी नहीं बन सकते ना, खालिद बिन वलीद बन सकते हो, ये तो कुछ हो ही नहीं रहा, मार्जिन नहीं कोई, मार्जिन था गुजारा होता तो $3,000 कमा लेते थे, 5,000 भी कमा लेते थे, कभी 8,000 भी कमाए, कभी 10 भी, मगर इससे हम जो रेवोल्यूशन लाने की सोच रहा था ना वो तो नहीं आ सकता था, और टेक्नोलॉजी क्या वो तो हम पार्ट तोड़ रहे थे। चलो सर विंडोज एंटी आई, अच्छा विंडोज एंटी आई मैंने सोचा ये सीखेंगे, तो उसने कहा मेरे फैजी भाई थे वो कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट थे, अच्छा वो मना कर रहे थे कि नहीं यार, बाद में उन्होंने बताया कि तू मना कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि यार मुझसे तो आ नहीं रही, तुझे कैसे आ जाएगी, तेरी उम्र कंप्यूटर साइंस की नहीं है, तो मैं तो तुम्हारी मोहब्बत में तब मुझे बता था मैं अगर डायरेक्ट बात करूंगा तो तुम्हें बुरा लग जाएगा, तो मैं ना बहाने से कह रहा था नहीं यार अच्छा आइडिया नहीं है ताकि तुम इसमें ना लग जाओ। खैर अब NTI मैंने ना कंपनी शट डाउन कर दी, मैंने कहा मैं पढ़ूंगा, मैंने खाने पीने के लिए गैस स्टेशन पे काम करना शुरू कर दिया, वहां पे फनी बात है जो मैं आपको कह रहा था ना फनी बात हुई, रात के 3 बजे तक मैंने विंडोज NT की ना C++ की किताब पढ़ा था, नहीं नहीं आई थी किताब बिल्कुल, तो एक गोरा ना गैस स्टेशन पे आया 3 बजे रात के, वो आया तो मैंने सोचा हम कैलिफोर्निया बैठे, उसने आके ना नॉर्मली तो वो मेरे पास आते नहीं थे, हम तो शीशे के उसके पीछे बैठे होते थे, तो मैंने नौकरी ऐसी ढूंढी थी और मैं मेनलो कॉलेज था उसका चौकीदारी करता था, वहां भी मैंने ऐसी नौकरी ढूंढी थी, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, बैठ के सिर्फ सिक्योरिटी देख रहा हूँ और मैं बैठ के पढ़ रहा हूँ, तो मैं वहां बैठा ना C++ पढ़ रहा। अच्छा एक्चुअली ईमानदारी की बात है अब थिंकिंग बैक कि पढ़ तो नहीं रहा था, पढ़ने की कोशिश कर रहा था क्योंकि आज तो समझने को ज्यादा रही नहीं थी, पढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो वो बोला है अच्छा नॉर्मली ना तो वो ना कार्ड डाल के गैस स्टेशन खुद ले जाते हैं, तो टेलर के पास आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप तभी जब सिगरेट विगरेट लेनी होती है ना तो फिर वो आता है, तो उसने कोई सिगरेट मुझे याद नहीं सही कोई सिगरेट विगरेट लेने आया। अच्छा आपके पास वहाँ पे एक बॉक्स होता है, वो बॉक्स में आप सिगरेट रखते हैं
तो आपके पैसे रख देता है या क्रेडिट कार्ड रख देता है, आप उसको उसमें सिक्योरिटी देते हैं क्योंकि वो तो सब बुलेट प्रूफ गाज है, 3 बजे तो अपलोड जाएंगे वैसे ही, मतलब सिक्योरिटी थ्रेट है। और आपके पास इमरजेंसी बटन होता है, वो अभी आपको मैं इमरजेंसी बटन वाला ही बताता हूँ, वो भी बड़ा लंबा किस्सा है, लंबा नहीं एंटरटेनिंग किस्सा है बहुत। अच्छा खैर, वो घर ना यूँ करके शीशे में देखा, माइक में लगा हुआ था आपके पास शीशे के अंदर, मैंने सुबह उसमें बात करते करते उसकी किताब पर नजर पड़ गई, अच्छा वो प्रोग्राम था वो भाई, उसके तो खुद की ताली हो गई, कहना यार कहना इन कैलिफोर्निया गैस स्टेशन अटेंडेंट्स आर रीडिंग विंडोज एटी ऑन C++। अच्छा मुझे तो नहीं जानता था, सोचा यार ये कैलिफोर्निया क्या चीज है, और बाकी है यही जो ध्यान भाई आपसे बात हो रही थी, हमें ये अचीव करना है कि शक्कर से हैदराबाद बस जा रही, उसमें हमारा सिंधी भाई बैठा हो छोटा सा बच्चा, और उसके हाथ में विंडोज एंटी जो भी अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो हो, जिसे हमने ये अचीव कर लिया हम दुनिया को रूल करेंगे, कोई हमें नहीं रोक सकता। और जितनी ये सीपैक जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, अभी कल एक बहुत ही काबिल आदमी से मिला हूँ जिनके फोरफादर ने ग्रैंडफादर ने पाकिस्तान ने बड़ा हाथ किया, इकबाल आदम जी साहब अभी मेरे साथ थे, हम टूर करने गए थे ग्वादर का, तो उन्होंने बड़ा अच्छा मुझसे क्या बाकी लोगों से भी सवाल किया, कहने के भाई चाइनीज सामान बनाएंगे, ट्रक चाइनीज होगा, वो आएगा पाकिस्तान, चलो भाई वहाँ से हमारा ड्राइवर बैठ जाएगा, फिर ग्वादर पहुँच गया, फिर चाइनीज शिप खड़ा होगा, आजकल तो कंटेनर शिप में वो कंटेनर उठाएगा ट्रक से सीधा शिप में रख देगा, अच्छा अगर नहीं रखेगा तो थोड़ी देर बाहर रख रहेगा वो तो